रूस और यूक्रेन की जंग अब छठवें महीने में पहुंच गई है। इस बीच रूस और यूक्रेन की सेनाएं हथियारों से खाली होती जा रही हैं। आलम यह है कि पुतिन की सेना अब अपनी सतह से हवा में मार करने वाली S-30 मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के जमीनी ठिकानों पर हमले के लिए कर रही है। उधर यूक्रेन की सेना ने भी जोरदार पलटवार कर एक रूसी S-13 सिस्टम को तबाह कर दिया है। पंजाब के कांग्रेसियों ने पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी सांसद महारानी परनीत कौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परनीत को कांग्रेस से निकालने की मांग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कल इस संबंध में चंडीगढ़ में बैठक के दौरान प्रस्ताव भी पास किया गया। ईडी कोयला चोरी मामले में तृणमूल कांग्रेस महासचिव और CM ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया गया है। उनको 2 सितंबर को कोलकाता में पेश होने को कहा गया है। इस पर TMC ने कहा कि जब भी पार्टी संगठन को ताकत दी जाती है हमारे किसी नेता को नोटिस मिल जाता है। असम के बोगाई गांव में बुधवार को प्रशासन ने एक और मदरसा ढहा दिया। आरोप थे कि इस मदरसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। कबैतरी पाटचार गांव में बने मरकाजुल मा आरिफ कुआरियाना मदरसे को गिराने के लिए कई बुलडोजर बुलाए गए थे। इलाके में बड़ी संख्या में सैन्य बल भी तैनात किया गया था। ताजमहल का नाम बदलने की मांग को लेकर नगर निगम के सदन में प्रस्ताव लाया है। नगर निगम ताजगंज वार्ड पार्षद ने ताजमहल का नाम तेजोमा माल्या करने का प्रस्ताव दिया है। आज यानी बुधवार को होने वाली बैठक में भाजपा पार्षद शोभा राम राठौड़ सदन के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पेश करेंगे। जैकलिन फर्नांडिस को दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी किया है। उन्हें 26 दिसंबर को तलब किया गया है। ईडी ने 215 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया है। जैकलिन पर ईडी ने इस महीने अगस्त में बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की थी। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 10,000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 9,587 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 10,828 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 45 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 60,73,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 64,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.57 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। प्रयागराज जिले का नरहा गांव टापू में बदल गया है। चारों तरफ 4 किलोमीटर तक सिर्फ पानी है। पीछे गंगा नदी है, बाकी 3 तरफ रास्ते जहां 2 घंटे खड़े रहने के बाद एक सरकारी नाव आती है और लोगों को गांव के अंदर ले जाती है। गांव की आबादी 2,500 है। बाढ़ के चलते 1,500 लोग अपने जानवरों को लेकर चले गए हैं। भारतीय बाजार में एक बार फिर से सोने के भाव गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के रेट में 600 रुपए की गिरावट हुई है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 47,030 है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 51,260 है।